पिछले लेक्चर में हम लोग एनर्जी के बारे में पढ़े थे, आज हम परमेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। जो ये इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक सर्किट में हम लोगों को परमेबिलिटी भी पढ़ना है, तो हम आज परमेबिलिटी पढ़ेंगे। ओके, परमेबिलिटी, इट इज द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू परमिट द पासेस ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स थ्रू इट। जो भी मेरा मटेरियल है उसके थ्रू कितना मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो पास करता है उसे हम परमेबिलिटी बोलते हैं। तो यदि हम एक एग्जांपल है यहाँ पे देखें, यहाँ पे एयर के थ्रू मेरा मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इजिली फ्लो कर रहा है, ये इजिली फ्लो कर रहा है। यदि हम यहीं पे आयरन का पीस रख दें तो हम देख रहे हैं यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स फ्लक्स जो है वो आयरन के पीस से होकर गुजर रहा है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे आयरन का पीस के जो मैग्नेटिक कोर है, मैग्नेटिक जो आयरन के पीस का जो परमेबिलिटी है वो बहुत हाई है। यदि वही लो रहती यहाँ पे परमेबिलिटी तो मैग्नेटिक लाइन्स जो है इसके ऊपर से गुजरता, इसे पास नहीं करता। तो हम बोल सकते हैं इस आयरन के पीस की जो परमेबिलिटी है बहुत हाई है। मोर मैग्नेटिक परमेबिलिटी ड्यू टू विच इजिली मैग्नेटिक फील्ड पास। यदि मोर परमेबिलिटी रहेगी तो मोर अधिक मेरा इस मैग्नेटिक फील्ड जो है वो पास करेगा पीस से। ओके, यदि हम इसे रिप्रेजेंट करें मैथमेटिकली तो हम उसे रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी बोलते हैं। तो रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी जो है द एक्सटेंट टू विच मैग्नेटिक फील्ड कैन परमिट ए मटेरियल इज कॉल्ड रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ द मटेरियल। मटेरियल जो है कितना मैग्नेटिक फील्ड परमिट करता है अपने से पास होने के लिए, उसे हम उसे रिप्रेजेंट करने के लिए हम रिलेटिव परमेबिलिटी का यूज करते हैं, उसी को हम रिलेटिव परमेबिलिटी बोलते हैं। नेक्स्ट जो बोल रहा है, रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी टू द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ द मटेरियल टू द मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। रिलेटिव परमेबिलिटी जो होता है, रिलेटिव परमेबिलिटी हम उसे शो करते हैं म्यू आर से, इसे रिप्रेजेंट करते हैं रिलेटिव परमेबिलिटी को, वो जो रेशियो होता है म्यू बाई म्यू नॉट। ओके, यहाँ पे यदि बात करें म्यू आर जो है हम लोगों का, म्यू आर इज द रिलेटिव परमेबिलिटी, रिलेटिव परमेबिलिटी है म्यू आर, हम इसे फाइंड आउट करना है हमें। म्यू जो है परमेबिलिटी ऑफ द सब्सटेंस, मटेरियल की परमेबिलिटी क्या है, मटेरियल की परमेबिलिटी क्या है, जो मटेरियल हम यूज किए हैं उसकी परमेबिलिटी क्या है। ओके, वो पास कर रहा है कि नहीं मैग्नेटिक फील्ड को। म्यू नॉट जो है, म्यू नॉट इज द परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम, वैक्यूम या एयर में मेरी परमेबिलिटी क्या है। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं। यहां पे हम देख रहे हैं ये एक हम लोग परमानेंट मैग्नेट का यूज किया है यहाँ पे, जो नॉर्थ पोल बनाता है और साउथ पोल बना रहा है यहाँ पे, और उसके बीच में एक आयरन का सॉफ्ट आयरन का रिंग रख दिए हैं। हम देख रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो है इजिली इसे पास कर रहा है, इसके थ्रू इजिली पास हो रहा है, तो हम बोल सकते हैं इसकी परमेबिलिटी बहुत हाई है, तभी तो ये इजिली पास कर रहा है। इसकी म्यू जो है बहुत हाई है परमेबिलिटी, इसलिए ये जो इजिली पास कर रहा है यहाँ पे। म्यू क्या है हम लोगों के, परमेबिलिटी ऑफ द सब्सटेंस, जो मटेरियल यूज किया है उसकी परमेबिलिटी क्या है। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं म्यू जो है बहुत हाई है, इसीलिए मेरा मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इजिली पास कर रहा है, और ये जो है मैग्नेटिक लाइंस पास थ्रू एयर, एयर के थ्रू मेरा मैग्नेटिक लाइंस पास कर रहा है, जिसे हम म्यू नॉट से शो कर रहे हैं यहाँ पे। म्यू नॉट, ये मेरा म्यू नॉट इज द परमेबिलिटी ऑफ द वैक्यूम, वैक्यूम के थ्रू मेरा कितना परमेबिलिटी है। तो म्यू नॉट जो होता है वो मेरा कॉन्स्टेंट वैल्यू होता है, म्यू नॉट जो है वो कांस्टेंट वैल्यू है, जिसे हम बोलते हैं 4 पाई मल्टीप्लाई 10 के पावर -7 वेबर पर एम्पियर एंड पर मीटर। वेबर जो है मैग्नेटिक फ्लक्स को डिनोट करता है वेबर, और ये पर एम्पियर पर मीटर। ओके, ये जो फॉर्मूला है मेरा ये म्यू नॉट का है, जो एयर के थ्रू मेरा कितना परमेबिलिटी है उसे शो करता है, परमेबिलिटी ऑफ द एयर या वैक्यूम।
तो रिलेटिव परमेबिलिटी बना जो शो करने के लिए, रिलेटिव परमेबिलिटी फाउंड आउट करने के लिए हम लोग के पास क्या फॉर्मूला था, म्यू आर इक्वल टू म्यू बाई म्यू नॉट। म्यू क्या है हम लोगों के लिए, म्यू यहाँ पर जो है परमेबिलिटी ऑफ द मटेरियल या सब्सटेंस, सब्सटेंस की परमेबिलिटी क्या है, और म्यू नॉट जो है वो परमेबिलिटी ऑफ द एयर या वैक्यूम। ओके हम यहाँ पे देख रहे हैं ये जो हम लोगों के पास पत्थर है इसकी परमेबिलिटी बहुत हाई है, बहुत इसकी परमेबिलिटी हाई है जिसके थ्रू हम यहाँ पे ऊपर से पानी डाल रहे हैं, तो ये पानी जो है वो नीचे से पास कर रहा है, इसे इस पत्थर को पास कर जा रहा है यहाँ पे। ओके तो हम बोलेंगे इसकी परमेबिलिटी हाई है। ओके ये हम बात किए परमेबिलिटी के बारे में, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे हिस्टरेसिस और उसके हिस्टेरेसिस लूप के बारे में। ओके थैंक यू।